सिटी कोतवाली महेंद्रगढ़ में पहुंचकर कई महिलाओं ने एक महिला और उसके पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी करने को लेकर लिखित शिकायत देकर उनके खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। महेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली में लगभग एक दर्जन महिलाओं ने अपनी लिखित शिकायत की है कि रेखा गुप्ता और उसके पुत्र रवि गुप्ता द्वारा धोखाधड़ी कर लगभग 3 लाख रुपये ले ली, जिसे मांगने पर धमकी दिया जा रहा है। प्रतिमाह बचत के पैसों को रेखा गुप्ता के पास जमा करती थी, जिससे कि किसी भी जरूरतमंद महिला को काम पड़ने पर उन पैसों को जरूरतमंद को मदद किया जा सके। परंतु रेखा गुप्ता के पास 3 लाख रुपए जमा कराया गया था, जिसे रेखा गुप्ता ने अपने बहू की डिलीवरी के और मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए नकद ले ली। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब रेखा गुप्ता रसीद मांग रही है। हम लोग सभी 15 से 20 औरतें लोग इकट्ठा करके रखते हैं और किसी भी जो फ्रेंड है हमारी, जो महिलाएं हैं, उन्हीं में से किसी एक को किसी घर बनाने का या किसी को कुछ काम पड़ा, शादी लड़का जो भी है, तो उसी के एक को दे देते हैं। इसी तरह हम लोग सबका एक दूसरे का मदद करते हैं। एक रेखा गुप्ता नाम की है, वो भी हमारे से इसी टाइप का बोल के रो रो करके अपनी बहू की डिलीवरी के लिए पैसा लेके गई है और अब जब उसे पैसा वसूल किया जा रहा है, मांगा जा रहा है, तो गाली गुप्तान दे रही है, थाने की धमकी दे रही है। 3 लाख करीब की, 3 लाख की थोड़ा थोड़ा करके सबको मिल के उसमें डाले थे पैसा, सब मिला के 3 लाख की है पूरे लेडीजों की। बोलती नहीं देंगे हम, आपको जो करना है कर लो, थाने चले जाओ, क्योंकि आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे।